Okay, we are discussing about inverse, inverse trigonometric functions. बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि इसमें मिस्टेक्स हो रही है. नो प्रॉब्लम. नाउ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वैसे तो छह होते हैं. साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, कॉट इनवर्स. मैं स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूंगा सिर्फ तीन याद रखो, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स. अच्छा, इन तीनों का एक डोमेन होता है. देयर इज समथिंग कॉल्ड डोमेन. और इन तीनों की एक रेंज होती है. आई होप यू पीपल नो डोमेन मतलब क्या. डोमेन मतलब सेट ऑफ इनपुट्स और रेंज मतलब सेट ऑफ आउटपुट्स. तो व्हाट इज आपके साइन इनवर्स का डोमेन. साइन इनवर्स का डोमेन होता है क्लोज इंटरवल माइनस वन से वन. और साइन इनवर्स की रेंज होती है क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू. कॉस इनवर्स सेम डोमेन माइनस वन से वन क्लोज इंटरवल. रेंज होती है क्लोज इंटरवल जीरो से पाई. टैन इनवर्स इसका डोमेन होता है ओपन इंटरवल. ऊपर दो के थे क्लोज इंटरवल, इसका होता है ओपन इंटरवल. तो इट इज ओपन इंटरवल माइनस नॉट डिफाइन से प्लस नॉट डिफाइन. और यू कैन से माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी. रेंज होती है अगेन ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू. याद रखना ये सारे डोमेन रेंज आगे चल के हम लोग सम्स में यूज करेंगे. अच्छा, क्वेश्चन अराइजेस के स्टूडेंट बोलता है फिर सर बाकी तीन इनवर्स का क्या करें. व्हाट शुड वी डू फॉर सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स एंड कॉट इनवर्स. तो बहुत सिंपल है. अगर कोई तुमसे पूछता है सेक इनवर्स ऑफ एक्स, तो सेक इनवर्स के जगह पे लिख देना कॉस इनवर्स. याद है ना sec और cos एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं. पर याद रखना जब आप ये बोलते हो कि sec और cos एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, sec इनवर्स और cos इनवर्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं होते, पर उनके इनपुट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं. मतलब अगर ये sec इनवर्स ऑफ x है तो इसकी वैल्यू होगी कॉस इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स. उसी तरह अगर कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स पूछा है तो इसकी वैल्यू होगी साइन इनवर्स. इनपुट रेसिप्रोकेट होगा. उसी तरह अगर कॉट इनवर्स एक्स लिखा होगा तो उसकी वैल्यू होगी टैन इनवर्स. इनपुट रेसिप्रोकेटेड 1 बाय एक्स. इसीलिए मैंने बोला था कि ये तीन इनवर्स पढ़ोगे तो काफी है. ये तीन इनवर्स, ये देखो ऊपर के ही तीन इनवर्स के थ्रू मैनेज हो जाते हैं. दे कैन बी मैनेज्ड. नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक. सपोज साइन इनवर्स दिया है और इनपुट दिया है नेगेटिव, मतलब साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स ऐसा दिया है, तो इसका आंसर होता है माइनस बाहर और फिर
साइन इनवर्स ऑफ एक्स, मतलब नेगेटिव इनपुट को पॉजिटिव कर दिया लेकिन माइनस बाहर ले लिया। ऐसा ही सिमिलर फिनोमिना टैन इनवर्स में भी होता है। अगर टैन इनवर्स में नेगेटिव इनपुट आया यानी टैन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स तो भी माइनस बाहर ले लो और यहां लिख दो टैन इनवर्स ऑफ एक्स। बट अगर कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स आया तो ऐसा पाए माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। समझ में आ रहा है कि ये पाए माइनस क्यों हुआ और ये दोनों नेगेटिव क्यों हुए? बिकॉज अगर आप अर्लियर लॉजिक देखो तो कॉस इनवर्स की जो रेंज थी वो जीरो से पाई में थी, मतलब कॉस इनवर्स अपना आंसर चौथे क्वाड्रेंट में नहीं दे सकता है और वैसे भी चौथे क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव ही होता है तो नेगेटिव इनपुट को तो वहां वैसे भी हैंडल नहीं कर पाएगा। तो अगर ये बात समझ में आई कि मेरा कॉस इनवर्स का रेंज जीरो से पाई होता है और कॉस इनवर्स को मैंने नेगेटिव इनपुट दिया है तो मेरा आंसर सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा और सेकेंड क्वाड्रेंट के किसी भी एंगल को 180 माइनस अल्फा बोलते हैं, दैट इज वाई पाई माइनस अल्फा। आई होप लॉजिक समझा। और ऊपर के दो में नेगेटिव बाहर क्यों आ गया? क्योंकि उन दोनों में चौथे क्वाड्रेंट का रिप्लाई चल रहा था और फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल मतलब क्लॉकवाइज एंगल विच इज वैसे भी कंसिडर्ड नेगेटिव। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक बहुत इंपॉर्टेंट सेट ऑफ फॉर्मूलास होता है, अगर अगर साइन इनवर्स ऑफ सम इनपुट और कॉस इनवर्स ऑफ सेम इनपुट एड हो जाए तो ये आंसर हमेशा पाई बाय टू ही देता है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू पाई बाय टू। यही सिचुएशन सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स की भी है। अगर ये दोनों एड हुए तो भी आंसर पाई बाय टू ही होता है। यही सिचुएशन टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स की है। अगर ऐसा हुआ तो भी आंसर पाई बाय टू होता है। पर याद रखना बहुत नेसेसरी है कि इनपुट दोनों का सेम होना चाहिए। अगर सेम इनपुट नहीं होगा तो आंसर पाई बाय टू भी नहीं होगा। जैसे मुझे पता है कि आपके डेरिवेटिव चैप्टर में एक सम है, फाइंड dy by dx इफ tan इनवर्स ऑफ रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस cot इनवर्स ऑफ रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर y स्क्वायर, ऐसा दिया है। ये तुम्हारा ओवरऑल क्वेश्चन है, टैन इनवर्स ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स ऐड हो रहे हैं और दोनों का इनपुट सेम है। समझा? जब मैंने ऊपर एक्स सिखाया उसका मतलब ये नहीं कि एक्स ही होना चाहिए, जो भी tan इनवर्स का इनपुट होगा वही cot इनवर्स का इनपुट होना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में ये जो साइड है ये तो मेरी इमीडिएटली पाई बाय टू बन गई, यानी मेरी इक्वेशन एक्चुअली सिर्फ इतनी थी, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू पाई बाय टू, इसका डेरिवेटिव लेने का, एज सिंपल एज दैट। तो ये कंसेप्ट्स आपको बहुत काम आएंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब
अगर दो tan इनवर्स एड हो रहे हैं, दैट इज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y. हाँ, अब की बार इनपुट अलग अलग है, देखा ना. अगर दो tan इनवर्स एड हो रहे हैं तो इसका आंसर वापस से tan इनवर्स आता है ऑफ दोनों इनपुट का एडिशन अपॉन वन माइनस दोनों इनपुट का मल्टीप्लीकेशन. तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज ऑलवेज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन वन माइनस एक्स वाई. उसी तरह अगर tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y लिखा या ऐसा कुछ आया तो इसका आंसर होता है tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन वन प्लस एक्स वाई. ध्यान से देखो, ब्रैकेट के अंदर का जो फॉर्मूला है ना ऊपर वाले का, इट इज रिप्रेजेंटिंग tan ऑफ a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन वन माइनस tan a tan b. दिस इज tan a माइनस tan b अपॉन वन प्लस tan a tan b. बहुत स्पेशल केस में ऐसा भी हो सकता है कि तीन tan इनवर्स ऐड हो रहे हो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, तीन tan इनवर्स ऐड हो रहे हो. अगर ऐसा हुआ तो इसका आंसर होता है tan इनवर्स ऑफ एक सिंगल tan इनवर्स ऑफ, अब ध्यान से देखना, तीनों इनपुट्स पहले ऐड करो x प्लस y प्लस z, फिर तीनों को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, डिवाइड बाय वन माइनस. ये तुमने देखा होगा ये tan जो सिस्टम है ना ये हमेशा डिनोमिनेटर में पहली क्वांटिटी हमेशा वन ही रखता है. वन माइनस दो दो के जोड़े में मल्टीप्लाई करो, वन माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड. ये होता है तीन tan इनवर्स का एडिशन. अब जो मैं फॉर्मूलास दे रहा हूं ये सिर्फ तुमको एमसीक्यूज के लिए फायदा देंगे. What is the result अगर मैं पूछूं कि what is sin inverse x plus sin inverse y, यानी अब कौन से दो ऐड हो रहे हैं, sin inverse, तो इसका आंसर होता है sin inverse of इन दोनों में से एक का इनपुट ले लो और दूसरे का पाइथागोरस लगा दो, दैट इज रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वेयर प्लस. अब दूसरा इनपुट ले लो और पहले का पाइथागोरस लगा दो, वन माइनस एक्स स्क्वेयर. सो सिंपल. तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज दिस. उसी तरह अगर उसने पूछा साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई तो इट इज साइन इनवर्स ऑफ, एक इनपुट लो दूसरे इनपुट का पाइथागोरस माइनस, बस इतना फर्क है, दूसरा इनपुट लो और पहले इनपुट का पाइथागोरस. क्या बोलते हो, इजी है? आई नो, मैं इसीलिए बार बार कोशिश करूंगा, आपको नोटबुक सीधी करके दिखाने का भी कोशिश कर रहा हूं क्योंकि एक इनपुट आया था मुझे कि हमें आपका वीडियो देखने के लिए नेक टेढ़ा करना पड़ता है. बट गाइज आई एम वेरी सॉरी, मेरे घर पे ना ट्राईपॉड स्टैंड है ना सेल्फी स्टिक. हाँ, इस समय मैं सेल्फी स्टिक ही यूज कर रहा हूँ, मेरे नेबर से ली है.
लेकिन स्टिल मुझे इसको ज़्यादा यूज़ करना नहीं आता, तो मैं एंगल कैसे बदलते हैं, दिस दैट आई डोंट नो, तो प्लीज़ बियर विद दिस, थोड़ा एंगल मेरे को चेंज करते रहना पड़ेगा ताकि मैं प्रॉपरली लिख सकूँ. What's the result if it's cos inverse x plus cos inverse y? तो इसका आंसर एक वापस cos inverse, पर अब की बार क्या होगा, दोनों इनपुट एक साथ, यहां प्लस तो यहां माइनस, और फिर दोनों का पाइथागोरस एक साथ, दैट इज रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, लाइक दिस. अंडरस्टूड? ऐसा ही अगर कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई हुआ तो इसका आंसर भी कॉस इनवर्स आएगा एक्स वाई प्लस. ये समझ रहा है कि यहां माइनस था तो यहां प्लस आया, यहां प्लस था तो यहां माइनस आया. यही तो कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले का भी नेचर था. एक्स वाई प्लस दोनों का पाइथागोरस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, क्लोज. यहां पे क्या था, साइन और कॉस का जोड़ा, साइन और कॉस, साइन और कॉस, साइन और कॉस, साइन और कॉस, लेकिन ये कॉस के फॉर्मूलेज है और कॉस के फॉर्मूलेज में इट इज कॉस इनटू कॉस माइनस साइन इनटू साइन, लाइक दैट. ओके, लेट्स गो फर्दर. सपोज किसी क्वेश्चन में एक साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है और मेरी जरूरत है कि मैं इसे कॉस इनवर्स बना के लिखूं या इसे टैन इनवर्स बना के लिखूं. मतलब साइन इनवर्स को ही मैं कॉस इनवर्स भी लिख सकता हूं, टैन इनवर्स भी लिख सकता हूं, पर कैसे? अब सुनो, जब हम साइन इनवर्स लिखते हैं तो साइन इनवर्स का जो इनपुट होता है, जो इस समय एक्स है, वो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस का काम करता है. मतलब पहले तो मैं एक्स को मानूंगा एक्स अपॉन वन. अब इसका मतलब हुआ कि मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है और मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल में किसी को तो एक्यूट एंगल अल्फा बोल दूंगा. अब एक्स उसके अपोजिट का काम कर रहा है और वन उसके हाइपोटेनस का. मैंने बोला था ना, साइन इनवर्स का जो न्यूमरेटर होता है वो हमेशा अपोजिट साइड कहलाता है और जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा हाइपो कहलाता है. अब अगर आपने ट्राइंगल में हाइपो को वन बोल दिया, अल्फा के अपोजिट को एक्स बोल दिया, पाइथागोरस लगाओ तो ये आएगा रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर. अब ये आ गया तो कॉस इनवर्स लिखना मेरे लिए आसान हो गया. कॉस इनवर्स के अंदर क्या आना चाहिए, एडजेसेंट अपॉन हाइपो, और अल्फा का एडजेसेंट इस समय रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर है और हाइपोटेनस वन है. नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. कुछ क्लियर हुआ? मतलब साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज राइट नाउ इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ. अब सुनो, जब मैं टैन इनवर्स लिखता हूं तो ब्रैकेट में क्या आना चाहिए, तो टैन इनवर्स लिखा तो ब्रैकेट में आना चाहिए अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. अल्फा का अपोजिट है एक्स और एडजेसेंट है
रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वेयर, मतलब साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर आया ये पूरे ट्राइंगल मेथड से है। जिसको भी कंफ्यूजन है समझ लो, ये भी रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन वन की तरह ही है। ये रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर एडजेसेंट का काम कर रहा है और ये वन हाइपोटेनस का काम कर रहा है। यहां पर ये जो x है ये अपोजिट का काम कर रहा है और ये जो रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर है ये एडजेसेंट का काम कर रहा है। ऑब्वियसली ट्राइंगल से सब कुछ क्लियर है अपने को। अगर उसने मुझे दिया होता कॉस इनवर्स x तो इसे मुझे अगर साइन इनवर्स में लिखना है तो, या मुझे इसे टैन इनवर्स में लिखना है तो, सोचो तुम्हें मेथड तो समझ गया। अगर कॉस इनवर्स में x लिखा है तो मैं इसे भी x अपॉन वन ट्रीट करूंगा। कॉस इनवर्स के अंदर एडजेसेंट अपॉन हाइपो आना चाहिए तो अगेन मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करूंगा। इस राइट एंगल ट्राइंगल में मैं किसी एंगल को तो एक्यूट एंगल को बीटा बोल दूंगा। अब इसके हिसाब से इसकी एडजेसेंट साइड एक्स है और इसका हाइपोटेनस वन है तो इसकी अपोजिट साइड पाइथागोरस से आएगी रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर, हो गया। अब अगर तुमको कॉस इनवर्स एक्स साइन इनवर्स के फॉर्म में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? साइन इनवर्स ऑफ अपोजिट, मतलब रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन हाइपोटेनस, और इस समय हाइपोटेनस का काम कर रहा है वन। उसी तरह अगर तुम्हें टैन इनवर्स लिखना है तो टैन इनवर्स लिखते समय भी क्या करोगे? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अब की बार अपोजिट का काम रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर कर रहा है और एडजेसेंट का एक्स। एवरीथिंग इज हैपनिंग विद रिस्पेक्ट टू अ कॉमन एंगल बीटा, तीनों में वही एंगल कंसिडर हुआ है। अच्छा, व्हाट इफ सामने वाले ने मुझे टैन इनवर्स ऑफ एक्स दिया है और मुझे इसे लिखना है या तो साइन इनवर्स के रूप में या फिर कॉस इनवर्स के रूप में, तो कैसे लिखूंगा? सेम टेक्निक अप्लाई करना, टैन इनवर्स ऑफ एक्स लिखा है तो इसे मान लेना एक्स अपॉन वन। अब ये जो एक्स है ये अपोजिट साइड का काम करेगा, ये जो वन है ये एडजेसेंट साइड का काम करेगा। अब इसमें अगर मेरे को साइन इनवर्स लिखना है तो मेरे को ट्राइंगल फॉर्म करना पड़ेगा। लेट्स कंसिडर अ ट्राइंगल, किसी एक एक्यूट एंगल को मैंने अल्फा बोल दिया। अब इस अल्फा का अपोजिट साइड का काम एक्स कर रहा है और एडजेसेंट साइड का काम वन कर रहा है। पाइथागोरस लगाओ तो अब हाइपोटेनस आएगा रूट वन प्लस एक्स स्क्वेयर। सोचो, गेम बिकम्स इजी नाउ। अगर आपको साइन इनवर्स लिखना है तो क्या लिखोगे? साइन इनवर्स में आना चाहिए अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अल्फा का अपोजिट इज एक्स एंड हाइपोटेनस इज रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वेयर। अगर कॉस इनवर्स लिखना है तो मुझे लिखना पड़ेगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो इट इज वन अपॉन रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वेयर। एवरीथिंग इज हैपनिंग वाया दिस ट्राइंगल जो बना इसके हिसाब से है, फिर ये रिजल्ट अपने आप आ जाता है। आई होप समझ रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था इन इनवर्स कि अगर साइन इनवर्स का कोएफिशिएंट टू है और मुझे इस टू को भगाना है तो रिजल्ट ऐसा है। आप इसे चाहो तो साइन इनवर्स भी लिख सकते हो,
चाहो तो कॉस इनवर्स भी लिख सकते हो। अगर साइन इनवर्स लिखा तो अंदर सोचना पड़ेगा साइन टू थीटा, क्योंकि आप टू भगा रहे हो। अब साइन टू थीटा होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा टू साइन थीटा, जिसको मैंने एक्स बोला, इनटू रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वेयर। तुम खुद सोचो, अगर मैं एक्स को साइन थीटा मान रहा हूं तो ये जो रूट स्ट्रक्चर है ये रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा का काम किया ना, और अगर ये रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा का काम किया मतलब ये कॉस थीटा का काम किया, तो ये बन गया टू साइन थीटा कॉस थीटा विच इज साइन टू थीटा। समझा? अगर बाहर तुमने कॉस इनवर्स लिखा है तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि अंदर कॉस टू थीटा जनरेट करो। कॉस टू थीटा एक फॉर्मूला याद आ रहा है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस टू एक्स स्क्वायर। मतलब मैंने यहां पे एक्स को क्या गिना है, साइन थीटा। समझते जाओ, मैं इस पूरे सिस्टम में हमेशा एक्स को साइन थीटा ही बोल रहा हूं, क्योंकि टू के आगे साइन का ही इनवर्स था, और साइन टू थीटा गिना कॉस टू थीटा गिना क्योंकि टू भगाना था। अगर इतना लॉजिक समझ गया होगा तो मेरा अगला लॉजिक तुम्हें जल्दी क्लिक होगा। मुझे टू कॉस इनवर्स एक्स लिखना है तो भी मैं इसको साइन इनवर्स बोल के भी लिख सकता हूं, इसको कॉस इनवर्स बोल के भी लिख सकता हूं। जब साइन इनवर्स बोलूंगा तो अंदर मुझे साइन टू थीटा ही बोलना पड़ेगा। जब मैं साइन टू थीटा बोलता हूं तो आई विल से टू साइन थीटा कॉस थीटा। अब की बार मैंने कॉस थीटा को एक्स बोला और साइन थीटा को रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। लॉजिक समझा होगा, क्योंकि हम कॉस इनवर्स के पीछे का टू भगा रहे हैं तो हमारा एक्स कॉस थीटा ही होना चाहिए। सिमिलरली आपने कॉस इनवर्स लिखा तो ब्रैकेट में आना चाहिए कॉस टू थीटा। कॉस टू थीटा तो मुझे फॉर्मूला याद आ रहा है, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। वापस एवरीबडी शुड हैव अंडरस्टूड, एक्स को मैंने कॉस ही माना है, कोई और ऑप्शन नहीं है। सेम वे अगर मुझे टैन इनवर्स के पीछे से टू भगाना है, इट्स सेइंग टू टैन इनवर्स ऑफ एक्स। अब ये एक ऐसा सिस्टम है, आप इसे साइन इनवर्स बोल के भी मैनेज कर सकते हो, कॉस इनवर्स बोल के भी मैनेज कर सकते हो, टैन इनवर्स बोल के भी मैनेज कर सकते हो। अगर साइन इनवर्स बोला तो जाहिर है अंदर मैनेज करोगे साइन टू थीटा, उसका फॉर्मूला यूज करो, टू टैन थीटा अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा। कॉस इनवर्स यूज कर रहे हो तो अंदर कॉस टू थीटा अज्यूम करो, कॉस टू थीटा मतलब वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अगर टैन इनवर्स बोल के लिख रहे हो तो अंदर टैन टू थीटा अज्यूम करो, टैन टू थीटा होता है टू टैन थीटा अपॉन वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा। ओ सो सॉरी, वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है कभी कभी मिस्टेक। तीनों ही केसेस में एक्स को हम क्या मान रहे हैं, टैन थीटा। तीनों ही केस में मुझे एक्स को टैन थीटा मानना पड़ेगा क्योंकि मैं टैन इनवर्स के पीछे से टू भगा रहा था। गेटिंग?
जस्ट कोई स्टूडेंट मिस्टेक ना करे, इसी फॉर्मूले को मैं जरा एक बार वापस लिख दूं, मेरे कैंसिलेशन की वजह से स्टूडेंट को डाउट आ सकता है। टैन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज 2 टैन थीटा अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा, दैट्स योर स्ट्रेट पेज टू लुक अपॉन। आई होप इट मस्ट हैव हेल्प्ड। गुड, छोटा सा बाकी है लॉजिक, वो समझ लो। अगर साइन इनवर्स के पीछे से 3 भगाना है, 3, तो ये तुम सिर्फ साइन इनवर्स बोल के ही भगा सकते हो और कोई चॉइस नहीं है। सेम वे अगर कॉस इनवर्स के पीछे से 3 भगाना है तो भी कॉस इनवर्स बोल के ही भगा सकते हो, और अगर टैन इनवर्स के पीछे से 3 भगाना है तो भी सिर्फ टैन इनवर्स के बोल के ही भगा सकते हो। क्या भगा रहे हो? 3। साइन इनवर्स के अंदर आना चाहिए साइन 3 थीटा। फॉर्मूला क्या होता है साइन 3 थीटा का? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। 3 कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स बोल के भगा रहे हो तो अंदर आना चाहिए कॉस 3 थीटा, जो होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। और अगर टैन इनवर्स के पीछे से 3 भगा रहे हो तो इट शुड बी टैन इनवर्स ऑफ टैन 3 थीटा, विच इज 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। यू कैन रियलाइज कि जब मैंने साइन इनवर्स के पीछे से 3 भगाया तो मैंने x को sin थीटा मान के ही फॉर्मूला बनाया, cos इनवर्स के पीछे से भगाया तो मैंने cos थीटा को ही x माना है, टैन इनवर्स के पीछे से 3 भगाया तो मैंने x को tan थीटा ही माना है। आई होप लॉजिक समझा। ऑल इन ऑल इतना इनवर्स पढ़ लिया तो भी तुम्हारे लिए काफी है, जस्ट फ्रॉम अ स्ट्रेट पेज पॉइंट ऑफ व्यू। थोड़ा सा मुझे पेज इधर उधर तो करना पड़ेगा, बट दैट्स ओके। थोड़ा डार्कनेस है बट सॉरी, राइट नाउ लाइट भी चालू कर रखी है, एवरीथिंग, इससे ज़्यादा मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो दैट मच इज गुड इनफ, एटलीस्ट आई एम ट्राइंग टू हेल्प। ओके, बाय।